गाइस, किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन प्रेस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ वीवो Y66 जिसमें फन टच OS जिसके साथ आपको मिलता है, यानी कोई भी वीवो डिवाइस के साथ जो आपको सॉफ्टवेयर मिलता है वो है फन टच OS, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 6.0.1 मार्शमेलो। इस पर आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए सिंपली स्वाइप अप करना पड़ता है, और नॉर्मली एंड्रॉयड में आप हम स्वाइप डाउन करते हैं और ऊपर जो है नोटिफिकेशन के साथ क्विक टॉगल्स मिलते हैं हमें, बट वीवो के डिवाइस और बहुत सारे चाइनीज़ और मैंने कंपनीज़ देखे हैं ये iOS से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और iOS में आपको नीचे से ही टॉगल्स क्विक टॉगल्स मिलते हैं, तो यहाँ भी स्वाइप अप करना पड़ेगा और जैसे iOS में हम करते हैं। और यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा इस कैप्चर का, इस कैप्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा करीब लाता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, लॉन्ग स्क्रीनशॉट, रेक्टेंगुलर, फनी स्क्रीनशॉट। तो गाइज, इसका डिटेल देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सुपर स्क्रीनशॉट का ये ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ आपको उसके अलावा बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस मिलेंगे। गाइज, मैं ये सारे इंस्ट्रक्शन को, सारे ऑप्शंस को आपके सामने आज एक्सप्लेन करूँगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और देखते रहिए डिजिटली योर्स इन हिंदी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें मिलता है लॉन्ग स्क्रीनशॉट, दूसरा ऑप्शन है पैटर्न स्क्रीनशॉट, तीसरा है लासो या लैसू, चौथा है डूडल, पांचवा स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड रेक्टेंगुलर। यहाँ आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए वॉइस को, अगर आप चाहते हैं कि वॉइस को भी रिकॉर्ड करें, तो इसको आप प्रेस कर दीजिए, इसको एक्टिव कर दीजिए। अब मैं चलता हूँ आपको ब्राउज़र पे ले जाता हूँ, जहाँ पे मैं लॉन्ग स्क्रीनशॉट और दूसरे स्क्रीनशॉट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। गाइज, ये मैंने क्रोम ब्राउज़र का होम पेज ओपन किया है, और मैं स्क्रॉल डाउन और अप करके दिखाता हूँ आपको ये पेज कितना लंबा है। अब मैं स्वाइप अप करके ऑप्शन इस कैप्चर का उस पर क्लिक करता हूँ। प्रेस करने के बाद आप ऊपर एरो ग्रीन मार्क देख सकते हैं, इसको हम नीचे लाते हैं, और ये पहला वाला न्यूज़ जो है इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका, यहाँ से हम इसको कैप्चर करना चाहेंगे। अगर स्क्रीनशॉट को यहाँ पे मैंने इसको होल्ड किया, उसके बाद हम इसको नीचे ले जाना चाहेंगे, तो उसके बाद हमको प्रेस करना है नेक्स्ट। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप एक बार ग्रीन नीचे जो एरो है, अगर इसको आप एक बार ऊपर ले जाएंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे, तो पहले आपको ये देख लेना कि आपको स्क्रीनशॉट कहाँ तक लेना है। मैंने वापस किया नेक्स्ट, ओके, सपोज ओ फीचर स्पॉटलाइट तक हमें लेना है, तो ये मैंने ग्रीन एरो को सपोज यहाँ तक ले गया, अब नेक्स्ट का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। इसके बाद मैंने किया सेव, ये अपना स्क्रीनशॉट तैयार है, और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिखेगा आपको, एडिट का, डिलीट का एंड मोर का। मोर में बहुत सारे दूसरे ऑप्शन है, कॉपी, मूव, रीनेम, डिटेल्स, और एडिट पे हम जाते हैं, तो एडिट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, इसको वापस से क्रॉप कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, अलग अलग आप स्केच, फैशन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और आप वापस से यहाँ पे जाएँ तो दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा डूडल का, यानी आप किसी एरिया को मार्क करना चाहते हैं तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। ये मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया और इसको मार्क कर दिया, तो डूडल का ऑप्शन है यहाँ पे, एंड मोसाइक, मोसाइक का ऑप्शन, यानी आपको इस एरिया को ब्लर्ड कर देना है, तो आप इस एरिया को ब्लर्ड करके भी, यानी स्क्रीनशॉट आपको भेजना है कोई स्क्रीनशॉट, उस पर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया को हाइड करना है, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करके आप यहाँ पर टाइप करके भी किसी के साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल फीचर्स है इसमें, अगर जो ऑफिस में काम करते हैं या फिर न्यूज़ एजेंसीज में काम करते हैं, उनको ये सारे फीचर्स काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। कोई पर्टिकुलर न्यूज़ को उनको शेयर करना होगा तो काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस हैं। गाइस, इसमें बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है, ये मैंने इस पर क्लिक किया स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, और ये आप देख सकते हैं मैंने इसको, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ओके, तो गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे है, आप इसको वॉइस को ज़रूर एक्टिव कर लेना अगर ये फीचर आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एक ऑप्शन फनी स्क्रीनशॉट, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिखेंगे, लाइक पैटर्न, लैसो एंड डूडल। सपोज़ ये पूरा न्यूज़ का पेज है, और ये मैंने क्लिक किया पैटर्न पे, ये अलग अलग पैटर्न है,
और आपने एक पैटर्न पे क्लिक किया और आपको जो एरिया का न्यूज़ जो है कवर करना है आप देख सकते हैं। इसको यहाँ अलग अलग शेप हैं, आप अलग अलग शेप में इसको सेव कर सकते हैं। और मैं इसको कैंसिल करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको दूसरा ऑप्शन लैसो का। और यहाँ पे बेसिकली आपको ड्रॉ कर लेना है कोई भी एरिया को, और जो एरिया आपने ड्रॉ किया वो एरिया का स्क्रीनशॉट रेडी है। और उसके बाद है ऑप्शन यहाँ पे गाइस, लास्ट ऑप्शन है डूडल का। मैंने डूडल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ये पेज पे मुझे कुछ लिखना है। मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा ओके, उसके बाद आप सेव कीजिए, सेव करने के बाद शेयर कीजिए। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी शेयर कीजिए और देखते रहिए डिजिटली योर्स इन हिंदी।